नमस्ते एंड हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी सारी फ्रेंड्स हैप्पी एंड हेल्थी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेजोन शॉपिंग हॉल वीडियो। इस हॉल वीडियो पे मैंने जो भी सारे सामान परचेज किए हैं, कुछ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल थे, कुछ अपने किचन के लिए एंड कुछ होम डेकोर के लिए लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएंगे। एंड हाँ, फाइनली वी गेट वैक्सीनेटेड। क्या आप लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया है? अगर अभी तक नहीं तो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए। अभी तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। सो गेट वैक्सीनेटेड एंड गेट सेफ। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो इस हॉल वीडियो का सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये एक इलेक्ट्रिक कैप। जब से ये कोविड की सिचुएशन आए है, हम सबको गर्म पानी पीने की एक आदत सी बन चुकी है, जो अच्छी भी है। तो इसीलिए बार बार पानी गर्म करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है जब मैं कुकिंग करती रहती हूँ, उस टाइम में किसी को अगर गर्म पानी पीना है तो मुझे वो हटा के जो मैं कुकिंग कर रही हूँ उसको हटाना पड़ता है, फिर पानी गर्म करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये इलेक्ट्रिक कैटल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ, जिसलिए मैंने इसको खरीदा है। ये हैवेल्स कंपनी का है और ये इसका जो कैपेसिटी है 1.2 हीटर का है। इसका जो ऊपरी भाग है ये प्लास्टिक का है और इसको इस तरीके से प्रेस करने से ये खुल जाता है और अंदर ये स्टेनलेस स्टील का है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये। एंड सबसे बड़ी बात, इसको इस तरीके का एक हीटर आता है जिसके ऊपर इसको दिखाना पड़ता है इस तरीके से, एंड ये इसमें आप पानी उबल सकते। इस कैटल का MRP था 3295 एंड मुझे कुछ डिस्काउंट मिलके मैंने इसको खरीदा था 1599 रुपीज़। एक्चुअली इस कैटल को मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन इस पैंडमिक रीजन के वजह से शायद ये बहुत धीरे मुझे रिसीव हुआ। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा परचेज है। अगर आप लोग भी इसको लेना चाहते हो तो प्लीज़ इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। मेरा सेकंड परचेज है एक सीलिंग फैन। मेरे बेडरूम के लिए ये फैन मैंने लिया है। मेरे जो पहले फैन था हम लोगों के रूम में, उसमें थोड़ी बहुत खराबी होने लगी थी और इस समर में विदाउट फैन रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ में शॉपिंग जो भी करना है वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इस बार ऑनलाइन से ही चार्ज किया था फैन के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस थे वहाँ पे। फिर हम लोगों को एटम पार्क रेनेसा प्लस फैन दिखा, बहुत ही अच्छा उसका रिव्यू था। सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा एंड तो उसको हम लोगों ने परचेज कर लिया। जब इस फैन की पार्सल हम लोगों को रिसीव्ड हुए तो उन लोगों ने पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से की थी, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, इस फैन की और एक बेस्ट पार्ट है कि ये रिमोट कंट्रोल से भी चलता है। इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, बट हम लोगों ने इलेक्ट्रिशियन के थ्रू ही इंस्टॉल करवाया। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। तो इसमें LED भी है इस फैन में। रात के टाइम में अगर आप इस LED को जलाओगे तो एक डिम लाइट जैसा इफेक्ट देता है। इवन ये रिमोट कंट्रोल से चलता है और जब आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू इसका स्पीड बढ़ाओगे या कम करोगे तो इसमें LED में वो शो होगा। जैसे कि मैं अभी इसको कम कर रही हूँ, तो आप लोग देखिए वीडियो को अच्छी तरीके से, वहाँ पे LED के थ्रू वो शो हो रहा है। जैसे कि मैं अभी 3, 4, 5, 6। और एक आप लोगों को खासियत बताऊं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीड मोड है। जैसे कि रेगुलेटर में हम लोगों का 5 स्पीड मोड होते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीड है, 6 मोड तक इसका स्पीड देते हैं फैन में। एंड इसका अगर डिज़ाइन की बात करो तो ये एक स्लीक एंड मॉडर्न डिज़ाइन है, जिससे कि हम लोगों का बेडरूम में एक एलिगेंट लुक दे रहे हैं। आप लोग भी इस समर में अगर आप लोग भी कोई फैन लेने की सोच रहे हो तो एटमबर्ग रेनेसा प्लस ये फैन आप लोग ले सकते हैं। इसका प्राइस है 4092 रुपीज़। मेरा जो थर्ड परचेस है वो है ये सोप पम्प।
बेसिकली ये जो हम लोग डिशवाश करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक कटोरी में जो हम लोगों का लिक्विड डिशवाश है वो रखते हैं। तो मुझे ये वाला जो है बहुत पसंद आया। ये एक प्लास्टिक से बनाया हुआ है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक है ये, कुछ इस तरीके से है। साथ में ये स्पॉन्ज भी उन लोगों ने दिया हुआ है, ये इस तरीके से आप रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये देखिए, मैंने इस तरीके से दबाया, जब ये पंप करेंगे तो इस होल से वो जो लिक्विड डिश वॉश है वो ऊपर आएगा, और आप इस तरीके से स्पॉन्ज रख के उसको आप अपना डिश साफ कर सकते हैं। ये मेरे किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सामान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। एंड इसका जो प्राइस था ये था 349 रुपीज़। मेरा जो नेक्स्ट परचेस है वो है ये कप का सेट। ये सेट ऑफ 4 का है, ये स्टोन वेयर क्वालिटी का है। ये बहुत ही सुंदर है कप, देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे। अंदर से ये वाइट कलर का एंड बाहर से बेबी पिंक कलर का, इसका डिज़ाइन भी देखिए बहुत ही सुंदर है। इसमें आप कॉफ़ी, चाय, मैं तो कभी कभी इसमें सूप वगैरह भी सर्व करती हूँ, इतना प्यारा है ये। ये सेट ऑफ 4 में है एंड इसका जो MRP है वो है 480। तो नेक्स्ट मैंने उस कप के लिए है ये कप स्टैंड मैंने परचेस किया है। आई नो अगर हम लोग लोकल मार्केट में जाते हैं तो ये 100-150 रुपये में मिल जाते हैं, बट मैं अभी तो फिलहाल लोकल मार्केट में ही जा रही हूँ तो मैंने ऑनलाइन से ही इसको परचेस कर लिया, ताकि ये कप अगर मैं इसमें रखूँ इस तरीके से तो दिखने में बहुत प्यारा भी लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया था स्टैंड, और इस स्टैंड का प्राइस था 199 रुपीज़। ये भी अच्छा खासा है, स्टडी है, अच्छा है, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वाइन ग्लासेस, सेट ऑफ 2 का मैंने लिया है। सबसे पहले हम लोग के घर में अल्कोहल अलाउ नहीं है, कोई भी हमारे घर में अल्कोहल नहीं लेता है, फिर भी मुझे ये ग्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। इसका जो डिज़ाइन है मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका अलग अलग डिज़ाइंस में भी आते हैं, इससे छोटा आता है, इस तरीके का आता है, तो मैंने इसका सेट ऑफ 2 परचेस किया है एंड इसका प्राइस है 348 रुपीज़। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेट ऑफ 4 ही ले लेना चाहिए था, इसमें मैं जूस, स्मूदी वगैरह सर्व करती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी इसको ले सकते। अब मैं अपने होम डेकोर के लिए आप लोगों का मेरा जो परचेस है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा जो नेक्स्ट परचेस है वो है ये एक छोटू सा प्लांटर, ये ओल्ड प्लांटर है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये सिरामिक का है, बहुत ही सुंदर सा है ये। तो ये स्मॉल साइज़ का है और आई थिंक इस साइज़ का ही शायद मिलता है सारा। तो इसका जो MRP है ये 269 या 259 ऐसा कुछ था, तो मैंने इसको परचेस किया था, तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं। पीछे की तरफ होल है। इस हॉल वीडियो का सबसे लास्ट मेरा परचेस है ये एक ट्रे। इसका एक खास पार्ट है, ये है इसका खास पार्ट, इसके नीचे इस तरीके का व्हील दिया हुआ है देखिए, और ये चलता भी है इस तरीके से देखिए, इतना प्यारा लगा ना मुझे ये ट्रे। ऊपर का जो ये ट्रे है ये वुडन का है और नीचे ये रॉक आयरन का बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है ये। इसको आप ऐसे डेकोर पीस हिसाब से भी रख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे सर्विंग ट्रे हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। पर मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसका फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको खरीद लिया। इसका MRP है 349 रुपीज़। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अगर आप लोगों को भी ये ट्रे अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये हॉल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना,
कौन सा सामान आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी या इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड गुड बाय। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।